हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में रिपेयरिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का फंक्शंस कैसे वर्क करता है ये देखेंगे। रिपेयरिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में हम परचेस रिटर्न रिपोर्ट कैसे जनरेट करेंगे आज इस वीडियो में ये देखेंगे। परचेस रिटर्न रिपोर्ट जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे रिपोर्ट मेनू पे क्लिक करेंगे, देन परचेस रिटर्न रिपोर्ट सब मेनू पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे परचेस रिटर्न रिपोर्ट डेट वाइज सर्च कर सकते हैं एंड जनरेट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे डेट वाइज सर्च करेंगे। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे डेट वाइज परचेस रिटर्न रिपोर्ट हमें यहाँ पे शो हो रहा है, जिसमें डिटेल्स हमें शो हो रहा है, सप्लायर नेम, मोबाइल नंबर, इनवॉइस नंबर एंड डेट, प्रोडक्ट एंड HSN कोड, क्वांटिटी, रेट, CGST एंड SGST, IGST का अमाउंट इन परसेंट, अमाउंट, अदर चार्ज, डिस्काउंट, टोटल अमाउंट, पेड अमाउंट एंड ड्यू अमाउंट हमें यहाँ पे शो कर रहा है। एंड हम क्या कर सकते हैं कि पर्पस के अकॉर्डिंग भी इसे सर्च कर सकते हैं। तो हम पर्पस में हम यहाँ पे सप्लायर नेम, मोबाइल नंबर, प्रोडक्ट नेम या इनवॉइस नंबर के अकॉर्डिंग भी सर्च कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे सप्लायर नेम सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे परचेस रिटर्न रिपोर्ट जनरेट हो चुका है इस पर्टिकुलर सप्लायर का एंड डिटेल्स हमें यहाँ पे शो कर रहा है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इस सॉफ्टवेयर में परचेस रिटर्न रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू।